अनुच्छेद 48 और गोवध पर विचार होना चाहिए। गौ माता की रक्षा के नाम पर होने वाली हत्याएं हमारे देश के लिए एक चेतावनी है। ऐसा करके देश के लोगों की एकता और नैतिकता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक बात ऐसी है जिस पर हम सब सहमत होंगे, हम यानी भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का समान अधिकार दिया गया है। यह सब संविधान की प्रस्तावना में ही एक वायदे के रूप में हमने स्वयं को प्रदान किया है। स्वतंत्रता का यह विचार ही भारत की आत्मा है। अतः प्रत्येक को गाय की अवधारणा का अपने तरीके से निर्माण करने की संवैधानिक स्वतंत्रता है। संविधान निर्माताओं ने राज्यों को दिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में गोवध व अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने पर परामर्श दिया है। यही सिद्धांत अब हमारे राष्ट्र के ताने बाने को बिखेरने पर तुला हुआ है। इससे छोटे मोटे कट्टरपंथियों की आकांक्षाओं को इस प्रकार से हवा दे रही है कि वे निर्दोष लोगों को जान लेने से पहले जरा भी नहीं सोचते। इससे पुलिस को भी एक बड़ी जमात खड़ी कर दी है जो अवैध कसाई खानों के संरक्षण बन गए हैं। इस सब हंगामे में गाय की और बेकदरी होती जा रही है। ऐसा है, किसान अपनी बूढ़ी गाय को सड़कों पर लावारिस छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये लावारिस गायें सड़कों पर पड़े ढेरों प्लास्टिक खाकर एक दर्दनाक मौत मरने को मजबूर हो रही हैं। क्या इससे कोई पाप नहीं है? अगर यह मानकर चला जाए कि संविधान की सभा ने भारत को हिंदू राष्ट्र मानने की विचार को अस्वीकार कर दिया है, तो संविधान के अनुच्छेद 48 फिर क्या मायने रखता है? इस अनुच्छेद का होना किसी असंतुलन विचारधारा के लिए दिखाता है। शायद किसी दिन भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि जब तक भारत में सभी हिंदुओं की आस्थाओं की स्वतंत्रता का समर्थन किया जा रहा है, यह अन्य भारतीयों की स्वतंत्रता का समर्थन करता रहेगा। ऐसे में भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। गोमांस तो तभी से मानव का भोजन रहा है जब से उसने एक जाति के रूप में विकास किया है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिसमें भारतीयों के गोमांस खाने की बात कही गई है। यह तो पिछले कुछ वर्षों में ही भारतीयों के भोजन में परिवर्तन के हिंसक प्रयत्न किए जाने लगे हैं, लेकिन दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था में बूढ़ी गायों और नर बछड़ों को किसान क्या करेगा? मनुष्य जिसे प्रकृति के अनुरूप मानकर चल रहा है, उसे कानून के माध्यम से रोका जाना व्यवहारिक नहीं है। गांधी जी ने भी कहा है कि गोवध पर प्रतिबंध लगने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने एक शक्तिशाली तर्क भी दिया था कि नास्तिकों को गौ पूजा के लिए मजबूर करना नैतिक रूप से गलत है। इस समस्त प्रकरण में अव्यवस्थित नीति की समस्या है। इस प्रकार प्राकृतिक नियमों को प्रतिबंधित करने के अनपेक्षित परिणाम मानव के जीवन को जीवन की भेंट से चुकाए जा रहे हैं। इसका एक अन्य उदाहरण 2011 में अमेरिका पर बने वृत्त चित्र में मिलता है। इसमें अमेरिका में अल्कोहल पर रोक के चलते होने वाले काले धंधों को दिखाया गया है। किसी प्रकार से अल्कोहल वाले पदार्थों को कालाबाजारी ने व्हाइट हाउस और कांग्रेस को भी अछूता नहीं रहने दिया। अमेरिकी पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। एक तरफ से नैतिक अस्त्र की वही स्थिति थी जो आज भारत में हो गई है। गोवध पर प्रतिबंध लगने से होने वाली हत्याएं तो इसके आड़े में होने वाले अपराधों की एक झलक मात्र है। ऐसा प्रतिबंध लगाकर हमने पुलिस को अपराधी बना दिया है, अनैतिकता की संस्कृति का प्रसार कर दिया है, हमारे देश के अनेक कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ा दिया है, रोजगार के अनेक अवसर खत्म कर दिए गए हैं, अर्थव्यवस्था के करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। सबसे अधिक दुख इस बात का है कि हमने बूढ़ी गायों को एक दर्दनाक मौत मरने के लिए छोड़ दिया है। अनुच्छेद 48 को नष्ट किए जाने से हम इन समस्याओं से निपट ही सकेंगे, देश के नैतिक स्तर को भी सुधार सकेंगे। पर्यटन में असीम संभावनाएं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत महत्व है। यह एक ऐसा उद्योग है जो देश को राजस्व देने के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अनेक अवसर भी प्रदान करता है। इसके माध्यम से देश की धरोहर और पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिलती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का 9.6% योगदान है। इसका 88% घरेलू पर्यटन से प्राप्त होता है। देश के कुल रोजगार के अवसरों में 9.3% अवसर पर्यटन के माध्यम से आते हैं। ऐसा अनुमान है कि 2028 तक इस उद्योग के माध्यम से वर्तमान में उत्पन्न होने वाले 42.9 करोड़ रोजगार के अवसरों की तुलना में
52.3 करोड़ रोजगार उत्पन्न होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत कई छोटे छोटे कदम उठा रहा है, परंतु इससे ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ से पहला प्रयास उड्डयन क्षेत्र का है। संपूर्ण विश्व के संदर्भ में देखें तो विमानन क्षेत्र में भारत को तेजी से अपनी पैठ बढ़ा रहा है। भारत के घरेलू यात्रियों की संख्या भी लगभग 10 करोड़ है। यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या लगभग 90 लाख के निम्न स्तर पर है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनेक अवसर हैं, उनका यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसने आसानी से इसे वैश्विक वायु परागमन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस मामले में दुबई का उदाहरण लिया जा सकता है। विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का निर्माण करने के साथ साथ दुबई ने विदेशी यात्रियों के अनुकूल अनेक व्यवस्थाएं कर ली हैं। अब परंपरागत रूप से दुबई एक अत्यंत व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। भारत भी अपनी स्थिति के लाभ उठाते हुए यूरोप और सिंदूर पर्व के बीच की उड़ानों के लिए ईंधन की पूर्ति हेतु सुविधाओं के साथ स्टॉप ओवर का काम कर सकता है। इस प्रकार की उड़ानों से आने वाले यात्रियों में अनेक पर्यटन भी बन जाते हैं। उड़ान योजना के चलते भारत ने घरेलू क्षेत्रीय वायु संपर्क को बहुत ऊंचा उठा लिया है। इस योजना को आगे बढ़ाने हेतु इस योजना को आगे बढ़ाते हुए पर्यटन आधारित स्थानों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए बुनियादी ढांचों की कमी को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है। ई वीज़ा को 160 देशों तक विस्तृत कर दिया गया है, परंतु हाल ही में इसके शुल्क में की गई 60% बढ़ोतरी से व्यावसायिक व मेडिकल पर्यटकों की संख्या प्रभावित होने की आशंका है। खास बात यह है कि इस प्रकार के बढ़े हुए शुल्क से एकत्रित राशि पर्यटकों के बढ़ने से होने वाली आमदनी की तुलना में बहुत कम है। पूरे विश्व में पर्यटन प्रतिस्पर्धा संपन्न उद्योग है। सिंगापुर, बाली, थाईलैंड जैसे भारत के पड़ोसी देशों में पर्यटन की संख्या 3 करोड़ के आसपास होती है, जबकि भारत में यह मात्र 90 लाख है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका जैसे विकसित देशों में पर्यटन को प्रमुख उद्योग की तरह ही विकसित किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा से खरा उतरने के लिए भारत को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत 28% स्लैब में आने वाली लग्जरी होटल पर पुनर्विचार करना चाहिए। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में यह 10% से भी कम है। अनेक भारतीय धरोहरों को गोद लेने की प्रथा का प्रारंभ अपने पर्यटन मंत्रालय से ने अच्छी पहल की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इस मुहिम से कुछ बेहतर होने की संभावना है। भारत में लगभग 50 विदेशी पर्यटक बोर्ड हैं, परंतु उनके सम्मिलित विकास के लिए देश को कोई केंद्रीय विदेशी पर्यटन बोर्ड नहीं है। यही कारण है कि अनेक विभागों और मंत्रालयों के बीच उलझा हुआ पर्यटन क्षेत्र बिखरा बिखरा सा पड़ा है। इन सभी मुद्दों पर यथोचित ध्यान देते हुए भारत के पर्यटन को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि वह विश्व के प्रत्येक पर्यटन की सूची में शामिल हो सके। मानव पूंजी का विकास आवश्यक है। बीते माह विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक जारी किया है, जिसके लिए 5 आधार रहे हैं। 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को जीवन दर, 60 वर्ष तक के वयस्कों की जीवन दर, बच्चों का विकास, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित साल और शिक्षा की गुणवत्ता 2017 के आधार पर जारी की गई इस सूचकांक में भारत की स्थिति अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में कुछ ऊपर है, अपने पड़ोसी दक्षिणी एशियाई देशों से नीचे रही है। भारत जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए मानव विकास और मानव पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचे जाना उचित नहीं लगता। सूचकांक पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने मानव पूंजी सूचकांक को नज़रअंदाज करने और मानव पूंजी विकास की कार्यकर्ता को निरंतरता को बनाए रखने का निर्णय लिया है, जिससे बच्चों के जीवन की सहूलियत और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ने देश में मानव सूची विकास के क्षेत्र में काम किए हैं। 2000 से 2001 सर्व शिक्षा अभियान और हाल ही में चलाया गया है आयुष्मान भारत कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं। इन प्रयासों से निसंदेह लाभ हुआ है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। प्रयास में होने वाली कमी के पीछे 2 कारण क्या हैं? देश में मानव पूंजी विकास की वैसी कोई आकांक्षा ही नहीं है जैसे कि आर्थिक विकास की है। वित्त मंत्रालय की ओर से 2019 तक भारत की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान और अगले कुछ वर्षों में 30वें स्थान पर लाने के बारे में वक्तव्य दिए गए हैं, परंतु क्या कभी मानव पूंजी विकास सूचकांक में शीर्ष 10 स्थानों में से आने में कोई इच्छा दिखाई जाती है? यही कारण है कि हमारे पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश ने मानव सूची विकास में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। 2020 तक उसकी प्रति व्यक्ति आय भी भारत की से ऊपर जाने का अनुमान है।
मानव पूंजी के संदर्भ में भारत में पहले ही काफ़ी असमानता देखी जा रही है। इसके बावजूद सरकार ने विश्व बैंक के मानव पूंजी विकास योजना के दो पक्ष, मानव पूंजी में बड़े पैमाने पर दिखने वाला अंतर और मानव पूंजी के विकास में आने वाले अवरोधों को दूर करने पर कोई ध्यान नहीं दिया है। विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने और निर्यात करने वाले देशों में भारत अग्रणी है। इसके बावजूद नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों की तुलना में यहाँ के कुल 62% बच्चों को 8 बेसिक वैक्सीन लग सके हैं। 5 वर्ष तक के बच्चों को जीवन दर में माताओं के शैक्षिक स्तर को चलते भारी असमानताएं देखने को मिली है। जाति और धर्म के आधार पर बच्चों के जीवन दर अलग अलग दिखाई देती है। हिंदुओं में मृत्यु दर अधिक है। सवर्ण जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति व जनजाति में बाल मृत्यु दर अधिक है। धन के आधार पर बाल मृत्यु दर में पाया जाने वाला अंतर चिंताजनक है। धनिकों में यह 23 और गरीबों में यह 72 पाया गया है। ये आंकड़े तो समस्या की एक झलक भर देते हैं, जड़ें तो बहुत गहरी हैं। भारत में असमानता के आधार पर होने वाली बाल मृत्यु एक चिंताजनक व गंभीर विषय है, जिस पर सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। सबरीवाला मंदिर, यतो धर्म ततो जय। 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का सबरीवाला मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित करना उसी प्रकार से अन्यायपूर्ण है जिस प्रकार चर्च में किसी स्त्री पादरी का नहीं होना, विधवाओं को सबसे अलग किसी आश्रय स्थल में रखा जाना, महिलाओं को मंदिर मस्जिद में प्रवेश नहीं करने देना गलत है। नैतिकता के दृष्टिकोण में देखे जाने पर कोई भी यही सोच वाला व्यक्ति इसे दावे से गलत कह सकता है। किसी देश के न्यायालय समाज के नैतिक पहरेदार नहीं है, उनसे तो संविधान के आधार पर मूलभूत प्रश्नों को विवेकपूर्ण तरीके से निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के प्रश्न को अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह किसी व्यक्ति के पूजा पाठ संबंधी अधिकार और किसी समुदाय के धार्मिक नियम बनाने के विवाद के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है। न्यायविदों ने इस पर अपना निर्णय सुनाते हुए बड़ी चतुराई से प्रश्न के समाधान के संतुलन पर किनारा कर लिया, परंतु उन्होंने भगवान अयप्पा के भक्तों को एक अलग धार्मिक संज्ञा व संप्रदाय नहीं मानकर इस समूह के अस्तित्व को ही एक प्रकार से नकार दिया। ऐसा करने से उन्होंने इस समूह के भक्त को अपने नियम बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया। इस प्रकार न्यायालय का यह निर्णय 2 बिंदुओं पर त्रुटिपूर्ण लगता है। इस निर्णय में संविधान की उस मूल पाठ को नजरअंदाज किया गया है जिसमें यह अधिकार है कि न केवल धार्मिक संप्रदाय बल्कि वर्गों को भी दिया गया है कि संविधान द्वारा धार्मिक समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया एक कवच विवाद योग्य नहीं है। दूसरा, अगर किसी धार्मिक संप्रदाय के निर्धारण के परीक्षण के लिए न्यायालय हठ धर्मिता से निर्णय ले जैसा कि सबरीमाला के मामले में लिया गया है तो इसका अर्थ है कि न्यायालय ने हिंदू धर्म के उस बंजर रूप को आधार बनाया है जिसका हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदू शास्त्रों में अन्य धर्मों के बहिष्कार या मोक्ष के लिए हटी धर्म मार्गों के अनुकरण को प्रतिकूल माना गया है। संवैधानिक सिद्धांत भी शून्य में ही नहीं उपजे हैं, अतः उन्हें रूढ़िवादी तरीके से नहीं लिया जा सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड का दृष्टिकोण है कि जिस आधारभूत विश्वास पर संविधान खड़ा है उसका आधार प्रत्येक व्यक्ति की उस गरिमा में है जिसमें खुशी को ढूंढा जाता है। यदि हम दार्शनिक स्तर पर या किसी व्यक्तिगत खुशी को पीछा करने की बात करें तो इसे हमारे संविधान के लिए एक संयोग से बना उद्देश्य माना जा सकता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं के लेखों, सिद्धांतों और वाद विवादों में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमारी दार्शनिक परंपरा तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए व्यक्ति के विघटन को श्रेयस्कर मानती चली है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा जेफरसन की उस उक्ति को भारतीय संविधान पर लागू कराने वाला करना गले ही नहीं उतरता। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता और समानता समान रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्यों की सेवा करते हैं। इसी प्रकार संविधान में लोगों के कर्तव्य और सबके भले के लिए संसाधनों को समान वितरण करने की देश की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। अतः संविधान के विस्तार को व्यक्ति की गरिमा तक सीमित कर देना उसको परिभाषित करने के तरीकों को संकुचित कर देना है। हमारा संविधान भारत के प्राकृतिक बहुलवाद का प्रत्यक्ष दर्पण है। इसमें एक अपेक्षाकृत समान समाज के निर्माण और सरकार के आदेशों को रोकने के लिए एक विवेकपूर्ण व्यवहारिक मूल्यांकन के तत्व हैं। ये सभी उद्देश्य तभी संभव होंगे जब धर्म का शासन होगा। जहाँ धर्म होगा वहीं जय होगी। हमारे संविधान की स्थापना इसी विश्वास पर हुई है।
हमारे देश के नैतिक प्रश्नों के संदर्भ में विदेशी सिद्धांतों का उल्लेख किया जाना न्यायोचित नहीं लगता है। यह अलग बात है कि न्यायालय सही बिंदु पर पहुंचा है या नहीं। न्यायालय की संस्थागत वैधता उन लोगों के द्वारा विरोध का सैलाब खड़ा कर सकती है जो सोचते हैं कि न्यायालय ले तथ्यों पर गलती की है। अतः न्यायालय का यह कर्तव्य है कि न केवल आस्थापूर्ण संविधान की व्याख्या करे बल्कि देश के लोगों के लिए भी इसकी विवेचना करे। ऐसा न करने पर दूरगामी क्षति भी हो सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग कन्फिगरेबल कंप्यूटर सिस्टम संसाधन और उच्च स्तरीय सेवाओं को ऐसा साझा पूल है जिसे न्यूनतम प्रबंधन के साथ प्रदान किए जाने की प्रावधान है। इसे इंटरनेट के जरिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक अत्यंत तेज गति से चलने वाली सेवा है। किसी सार्वजनिक सुविधा की तरह ही क्लाउड कंप्यूटिंग भी सुसंगत और बड़े पैमाने की कियाफत के लिए संसाधनों को साझा करने वाले काम करती है। इस प्रक्रिया में थर्ड पार्टी क्लाउड कंपनियाँ कंप्यूटर के बुनियादी ढांचों रखरखाव पर संस्था के खर्च को कम कर देती हैं। इससे ये संस्था अपनी मुख्य व्यवसाय पर ध्यान दे जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग को ही एक भाग क्लाउड स्टोरेज है जिसमें कंपनियां अपने ढेरों डेटा कम कीमत पर सुरक्षित रख सकती हैं। छोटी बड़ी सभी कंपनियों में क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में इस क्षेत्र में लाखों पेशेवर की ज़रूरत है। कामकाजी लोगों को प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाली मंच ग्रेट लर्निंग के अनुसार 2022 तक इस क्षेत्र में देश के भीतर ही 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में सूचना प्रौद्योगिकी पर किया जाने वाला व्यय निजी सार्वजनिक और हाइब्रिड क्लाउड के विकास पर किया जाएगा। यह सूचना प्रौद्योगिकी सभी कामकाजों को क्लाउड कंप्यूटिंग में बदल देगा। देश में क्लाउड कंप्यूटिंग का बाजार अभी $2.2 अरब है। 2020 तक इसे सालाना 30% की दर से बढ़कर $4 अरब होने की उम्मीद है। क्लाउड सेवा के सुरक्षित और लागत प्रभावी होने की वजह से कंपनियां पारंपरिक डेटा केंद्रों के स्थान पर इस तकनीक को भी वरीयता दे रही हैं और यह तकनीक उन्हें कामकाज में लचीलापन व्यापकता और गति भी देती है।